आदेश जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, जय माँ चामुंडा। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इसी YouTube चैनल तंत्र ज्ञान 2019 के अंदर। समय व्यर्थ ना करते हुए हम आप सभी को जो है एक नए तंत्र टॉपिक के साथ जो है पुनः शुरुआत करते हैं। वीडियो आरंभ होने से पहले कृपया आप सभी जो है वीडियो के नीचे दिए गए इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर जो है अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है अपनी राय अवश्य दें ताकि जो है आपकी राय के अनुसार ही हम आगे की जो है तंत्र के टॉपिक को आगे रख सकें। बहुत समय से जो है व्यक्ति हमसे जो है दीक्षा की मांग कर रहे हैं और कुछ व्यक्ति तो ऐसे बोलते हैं कि गुरु जी हमें तो जो है अच्छे गुरु मिलते ही नहीं हैं, ठीक। और कुछ व्यक्तियों के तो ऐसे ऐसे मतलब तर्क आते हैं कि कुछ बोलते हैं कि गुरु जी हमें जो है गुरु मिलते हैं तो वो लालची मिलते हैं, गुरु ऐसे मिलते हैं, गुरु वैसे मिलते हैं, तो हम साधना नहीं कर पाते। सर्वप्रथम तो हम जो है गुरु की तत्व की परिकाष्ठा करना चाहेंगे। बोलते हैं गुरु शब्द जो है दो शब्दों के सुमेल से बना है ना। एक तो जो है गुरु बोलते हैं ग अर्थात गौरा, र अर्थात रुद्र, अर्थात दोनों का परिपूर्ण पुरख जो आपको गौरा से भी मिला सकता है और रुद्र से भी मिला सकता है। दोनों की शक्तियों को एक साथ रखने वाला व्यक्ति वो है गुरु, जिसमें गुरूर ना हो, स्मरण रखिए। आजकल के व्यक्ति बोलते क्या है कि गुरु जी हमने तो जो है चार गुरु बना लिए, सबके सब धोखेबाज निकले, सबके सब पैसा मांगते हैं हमसे। तो सर्वप्रथम तो आप हमें यह बताइए कि आप लोगों को गुरु चाहिए या नौकर चाहिए, कि जो व्यक्ति जो है आप आपको साधना भी करवाए, आपको समय समय पर मार्गदर्शन भी दे और आप आपका जो है सभी जो आप बोले और वैसे कर दे, सीधे को उल्टा कर दे, उल्टे को सीधा कर दे, आप जिससे प्रेम करते हैं उसको आप में वश में कर दें, माता का कोई प्रसाद ना लें और जो है आपसे कुछ मांगे भी ना, भेंट पुजारी इत्यादि, ठीक। और जो है जो बोले आपका वो कर दे, अर्थात है ना। पता है आप लोगों में और पहले के शिष्यों में क्या फर्क है? आप लोग एक जगह के ऊपर अपना मन टिकाते ही नहीं है, स्मरण रखिए। गुरु तत्व तभी किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जब तक व्यक्ति अपना गुरूर त्याग के उसके चरणों के अंदर पूर्णतः जो है शरणागति ना हो। पहले के शिष्य जो होते थे गुरुओं के जो है परिपूर्ण रहते थे, गुरुओं की शरणागति रहते थे, गुरुओं को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते थे, स्मरण रखिए। तो गुरुओं को भी जो है किसी प्रकार से उनको उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि वो पहले समझते थे कि गुरुओं की क्या आवश्यकता है और गुरुओं को किस चीज़ की आवश्यकता है, उनके बोलने से पहले ही पूर्ण कर देते थे। आजकल जो है शिष्य बोलते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल भी जाए, सिद्धि हमें प्लेट में ला करके रख कर दे दें और जो है हमसे किसी प्रकार की मांग भी ना करें, अगर मांग कर ली तो ये गुरु ऐसा है, ये गुरु वैसा है, इस गुरु ने ये खा लिया, इस गुरु ने वो खा लिया। भाई एक बात बताइए, गुरु बनाया है आपने या चेला बनाया है आपने, ये बताइए। आप उसके सर पर चढ़कर बैठेंगे, वो आपको क्या शिक्षा देगा, क्या ज्ञान देगा आपको? स्मरण रखिए कोई भी आपका गुलाम नहीं है। यदि आप किसी की शरणागति जा रहे हैं, किसी के चरणों में जा रहे हैं, तो पूर्णतः उसके प्रति समर्पित होकर देखिए। गुरु तो फिर भी बहुत बहुत दूर की बात है, आप किसी पत्थर को जो है सही समय पर मानकर देख लेना, एक समय पत्थर से जो है परमेश्वर बन सकता है। जब एक पत्थर पांव में जो है लिताड़ा जाता है ना, तो उस समय वो पत्थर बनता है, जिस समय उसी पत्थर को जो है परमेश्वर बना करके छेनी हथौड़े मार करके उसके ऊपर परमेश्वर की मूर्ति का आकार दे दिया जाता है, तो वही लोग उसके पांव में पड़ते हैं। बोलते क्या है, समय का फर्क है ना, समय का ही जो है मात्र खेल है। तो यही चीज है कि एक समय आपको जो है मेहनत करनी नहीं है, आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको मात्र सिद्धियां चाहिए। लोग बोलते हैं कि हमें 3 दिन में सिद्धियां चाहिए, हमें 11 दिन में सिद्धियां चाहिए। अरे सिद्धियां है क्या है, सिद्धि का शाब्दिक अर्थ तो कोई हमें बता दे। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ है साध्यता, अर्थात किसी चीज को काबू करना। आपका अपने ऊपर काबू है? आपको हम जो है 2 मिनट के लिए ब्लास्ट फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, देखते हैं आप कांपेंगे या नहीं। आपका जो है आपके आगे जो है माया का ढेर लगा दे, देखते हैं आप उठाएंगे या नहीं। आप जो है अपने ऊपर ज्ञान इंद्रियों के ऊपर आपका जो है कंट्रोल नहीं है, आप किसी और चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इतनी बड़ी शक्ति, आप बोलते हैं ये महाविद्या कर लेंगे, वो महाविद्या कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। अरे इतनी बड़ी शक्ति आपकी गुलाम नहीं है, उसको साधना, उसको काबू करना आपके बस में नहीं है जब तक आप खुद को काबू नहीं कर सकते। स्मरण रखिए पहले खुद को काबू करना सीखे तभी वो चीज आपके काबू आ सकती है, समझे। उसको पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम गुरु की
शरणागति अनिवार्य है। सर्वप्रथम तो गुरु मंत्र का होना अनिवार्य है। जब तक गुरु मंत्र ही नहीं होगा, उस मंत्र को मात्र मंत्र जपने से, यहां से कहीं किसी किताब से मंत्र पढ़ लिया, यहां से यूट्यूब से मंत्र देख लिया, किसी ने बता दिया ये मंत्र देख लिया, ये किताबों से कर लिया, अरे किताबें क्या हैं, शब्दों का जाल है। दो चार बातें हमसे पता कर ली, दो चार बातें उनसे पता कर ली, जो है इकट्ठा करके यहाँ वहां का जंजाल उगल दिया चार पन्नों के ऊपर, और पढ़ लिया आप जैसे लोगों ने, और आप जैसे लोगों ने आगे 400 लोगों को और बताया आगे जाके, तो मिला क्या? असली सत्यता तो जो है सभी लोगों से छिप गई ना। कारण क्या है इस चीज का? क्योंकि आप लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है। आज से 20 वर्ष पूर्व ना तो कोई किताबें थी ना इंटरनेट। उस समय जो शिष्यों को गुरुओं से मिला वही जो है पूर्ण था, परिपूर्ण था और परिसत्य था। आजकल क्या है, यहाँ से पता कर लिया हमने, वहां से यूट्यूब से देखा, वहां से, अरे यूट्यूब जो है क्या है, ये यूट्यूब ये तो मात्र एक माध्यम है जो है अपने विचार दूसरों के संग साझे करने का, किंतु सत्यता यह है कि कोई भी YouTube के माध्यम से साधना नहीं कर सकता, गुरु के मार्गदर्शन से कर सकता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है कि जिस मंत्र को आप कर रहे हैं या जिस शक्ति को आप देख रहे हैं, उस शक्ति को देखने की साध्यता आपके नेत्रों के अंदर आना। जिस शक्ति को आप देख रहे हैं उसका तेज जो है वो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा समान है। आप एक सूर्य को देख नहीं सकते, आपकी साध्यता नहीं है। हजारों तेजस्मयी जो है शक्ति को आप कैसे देख सकते हैं, समझे? गुरु मंत्र की अनिवार्यता रहती है, क्योंकि आजकल हर मंत्र, चाहे वो शाबरी है, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो ब्रह्मास्त्री है या कौलिक है, कोई भी मंत्र है, भले वो वाममार्गी है, वो आज के समय में शिव के मुख से कीलित है, तभी उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। शिव के मुख से कीलित है वो मंत्र, उसका उत्कीलन कैसे होगा? गुरु मंत्र के माध्यम से होगा। 5 बार आगे पढ़िए, 5 बार पीछे पढ़िए, बीच में मंत्र बोलिए, लोग मंत्र का हो गया उत्कीलन। किसी बोलते हैं ना कि हम जो है सिद्ध कुंजिका का पाठ कर ले, तांत्रिक मंत्र को खोल ले, अरे वाह रे वाह, इतना ही कुछ अगर तुम्हें पता है तो सालों तुम यह कर क्या रहे हो, जा करके बनाओ अपना आश्रम और दुनिया में क्या कर रहे हो। बोलते हैं हमने जो है कहीं से गायत्री की दीक्षा ले रहे हो कर जगाना है शमशान, हमने किसी से ब्रह्मास्त्र की विद्या ले ली और करना है वाम मार्ग, अरे वाह। एक बात बताइए हमें, आपके पास जो है मोबाइल के अंदर एयरटेल का सिम है क्या? आप उसके अंदर जो है जियो का रिचार्ज करवा लेंगे? ये पॉसिबल है? दैट इज नॉट पॉसिबल। याद रखिए, ये पॉसिबल कैसे होगा? जब आप उसी कंपनी का रिचार्ज करेंगे ना, तो उसी प्रकार से लगा के चले गुरु मंत्र रहता है कि किसी भी जिस गुरु की जो शरणागति, जिस कुल का गुरु ने मंत्र आपको दिया है, उसी कुल की जो है सिद्धियों का माध्यम आप अपना सकते हैं। आपको यदि दक्षिणा मार्ग का जो है मंत्र मिला है तो आप चाह कर भी वाम मार्ग की सिद्धियां नहीं कर सकते। यदि वाम मार्ग की सिद्धियों का आपको मंत्र मिला है तो आप चाह कर भी दक्षिणा मार्ग की सिद्धियों का चयन नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो सफलता तो मिलेगी नहीं, अपितु जीवन में कठिनाइयां और जीवन में समस्याएं और उत्पन्न हो जाएंगे आपके, समझे? दूसरा, उस शक्ति को काबू करने के लिए या स्वयं को जो है उस शक्ति से बचाने के लिए रक्षा सूत्र का होना अनिवार्य है। स्मरण रखिए, गुरु माध्यम से यदि उस शक्ति को अपना भी लिया, कहीं से गुरु मंत्र लेकर के, किसी गुरु की दीक्षा लेकर के उस मंत्र को ले भी लिया, उस मंत्र को संबंधित गुरु के मार्गदर्शन में जो है संबंधित उसका जाप कर भी लिया संबंधित संख्या के अंदर, तो उसको आगे जिस समय वो सिद्धि आ गई तो उसको रखेंगे कहाँ, ये बताइए? आपको यदि हम बुलाएंगे तो आपको आपके रहने के लिए, आपके खाने के लिए इंतजाम करेंगे, सिद्धि रहेगी कहाँ? आपकी देह के अंदर तो इतनी है नहीं क्षमता, तो उसको रखेंगे कहाँ सिद्धि को, ये बताइए? तो उसके लिए यंत्र तो चाहिए ना। यंत्र का क्या होता है मतलब हिंदी के अंदर? डिवाइस, रिमोट कंट्रोल, गैजेट है ना। तो यंत्र जो होता है, उस यंत्र के अंदर, यंत्र शरीर है सिद्धि का, तो उस सिद्धि का, देवी का या किसी भी चीज का, उसके अंदर उसको संजोया जा सकता है। देवी तक यंत्र के अंदर चलती है, स्मरण रखें। मल्ला और मणि ने देवी को यंत्र के अंदर बांध लिया था, तो उसी प्रकार से हर सिद्धि को यंत्र के अंदर बांधा जा सकता है, उस शरीर के अंदर बांधना पड़ता है, तभी वो आपके पास रह सकती है। यंत्र को बांधने का विधान या यंत्र को बनाने का विधान या यंत्र को पूर्ण करने का विधान साधक को आना चाहिए, ठीक? आपने यंत्र तो कर लिया, उसकी शक्ति को काबू भी कर लिया, आगे उसे कार्य कैसे लेंगे बताइए? वो आपके बाप की गुलाम थोड़ी है कि आपका कार्य कर देगी, उससे कार्य लेने का ज्ञान भी तो आना चाहिए, समझे? तो ये सब चीजें पूर्ण करने के लिए आगे कार्य पार होगा, कार्य करवा भी लिया तो उसके लिए उसकी भोग भी देना पड़ता है। किस कार्य को करवाने के लिए, संबंधित मारण के लिए क्या कार्य दे करवाने के लिए उस संबंधित सिद्धि को क्या भोग देना पड़ेगा, या क्या कार्य करना पड़ेगा कि जिसके कारण वो सिद्धि फलाने व्यक्ति का जाके मारण उच्चाटन कराए, या संबंधित व्यक्ति के ऊपर जाके वशीकरण की कृत्या चला दे उसके ऊपर, या संबंधित व्यक्ति के घर में संतान नहीं है तो उसके घर में संतान दे दे, या किसी के घर में ये लगा के चलिए धन संबंधित समस्या है उसको जो है दूर कर दे, या किसी के जो है व्यापार नहीं चल रहा उसको करने के लिए, तो इन अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग 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 जो है प्रकार की
वस्तुएं रहती हैं, है ना? तो क्या क्या भोग रहता है ये पता है? नहीं पता ना, तो कौन बताएगा? किताबें बताएंगी या यूट्यूब बताएगा या इंटरनेट बताएगा? कौन बताएगा? गुरु ही बताएगा ना। तो यही चीजें रहती हैं गुरु की जीवन में अनिवार्यता। और सुनिए, बोलते हैं जैसे आपको अगर जुकाम है तो उसमें सर दर्द की दवा खा लेंगे, या सर दर्द है तो उसके लिए जो है पेट दर्द की दवा खा लीजिए, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे ही जो है सिद्धियों के अंदर रहता है कि जिस चीज के लिए जो कार्य किया जा रहा है संबंधित सिद्धि के द्वारा, तो उस चीज के लिए, उस संबंधित कार्य के लिए संबंधित भेंट चढ़ती है। तो वो संबंधित भेंट में क्या कुछ चढ़ता है, क्या कुछ छोड़ा जाता है, और क्या कुछ लिया जाता है, और किस मात्रा में लिया जाता है, और किस तरीके से दिया जाता है उसको, कि जिस तरीके से ले करके वो आपका संबंधित फलाने कार्य को करे। ज्ञान है नहीं है? तो सिद्धियों के पीछे आप जा कैसे सकते हैं जब आपको सिद्धियों का पता ही नहीं है कि सिद्धि है क्या, और उस सिद्धि को साध्य कैसे कर सकते हैं, और साध्य करके उसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जब कुछ पता ही नहीं है तो आप किसी गुरु का आकलन कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। आपको इन सब चीजों का माध्यम ही नहीं पता है, आपको ये ही नहीं पता है कि सिद्धि क्या है और कहां से क्या चलेगी, किस लिए चलेगी, क्यों चलेगी, मुझे सिद्धि का ज्ञात ही नहीं है, तो आप सिद्धि कर कैसे सकते हैं ये बताइए। ऊपर से आप गुरुओं का आंकलन करते हैं कि संबंधित फलाना गुरु ऐसा है वैसा है। हराम खोरों, संबंधित गुरु को भी किसी सिद्धि को देने के लिए भोग देना पड़ता है। संबंधित सिद्धि आपसे आके थोड़ी पूछेगी, उस गुरु से आके पूछेगी जिस मार्गदर्शन से आप कर रहे हैं। आपका आके गला नहीं पकड़ेगी वो कि हमें भोग दीजिए, उस गुरु का आके गला पकड़ेगी ना कि जो है हमें जिस संबंधित व्यक्ति को आप सिद्ध करवा रहे हो उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या भेंट दी है, भला दिखा जरा। वो भेंट दोगे तभी वो आप उस आपके पास आएगी सिद्धि, स्मरण रखिए। आपने तो भेंट देनी नहीं, क्योंकि वो गुरु भेंट के ऊपर देने के लिए तो पैसा लगता है ना? और पैसा हम देंगे नहीं, क्यों? अगर पैसा दे दिए तो ये गुरु तो जो है खतरनाक है, ये तो गुरु बड़ा जो है गुरु घंटाल है, ये तो है ना, ये तो जो है नकली है गुरु, ये है वो है। अरे हराम खोरों, जब तुम्हें पता ही नहीं है किसी चीज का तो तुम कर कैसे सकते हो ये बताओ। पहले अपने आप की साध्यता देखो कि तुम कितने पानी के अंदर हो, फिर किसी गुरु के बारे में अपनी राय दो, समझे? सिद्धि तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है जो तुम्हारे घर पर सीधा जो है चलकर आ जाएगी। सब कुछ लेकर ही सिद्धि मिलती है, सब कुछ त्याग कर ही सिद्धि मिलती है, और जीवन में सिद्धि पता नहीं क्या से क्या ले लेती है। तुम लोग जो है चार पैसे उसकी जो है भेंट उस सिद्धि को चढ़ा नहीं सकते, और बात करते हो कि अपना खून से उसका प्याला भर देंगे। अरे उस खून की उसको आवश्यकता नहीं है, आपके भोग की आवश्यकता है, क्योंकि सिद्धि को मात्र अपने भोग की आवश्यकता है। कोई भी भोग दे दो, अपना कार्य ले लो, समझे? वो आपके बाप की नौकर नहीं है। तो जो कार्य करें गुरु मार्गदर्शन के अंदर करें। सिद्धि तभी मिलती है जिस समय आप कार्य करते हैं। कार्य करेंगे, कर्म करेंगे तभी कुछ मिलेगा, बिना कर्म कुछ नहीं मिलता। जय माँ कामाख्या। आदेश खुश रहिए।